ये क्या दोनों माँ बेटी मुझे कुर्बानी का बकरा समझते हैं? अलीजे को तो अब तुम भूल ही जाओ, मुझे पहले भी ज़ारा पसंद थी और अब भी, और मुझे यकीन है कि अलीजे से बेहतर साबित होगी हमारे लिए। पर मैंने नहीं ना सोचा उसके बारे में कभी ऐसा, इस बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? और शाजिया आंटी की चलाकियां अच्छे से समझ रहा हूं मैं, अपनी दोस्तियां रिश्तेदारियां बचाने के लिए उस बेचारी लड़की को कुर्बानी का जानवर बना रहे हैं। पहले मुझे अपने मामला तो सुधार लेने थे, लेकिन आप लोगों को तो ये माल गनीमत लूटने की पड़ी हुई है ना। तो क्यों परेशान हो रहे हो? अलीजे से बात करो, वो दे देगी तुम्हें पैसे। उसके कहने पे ज़ारा को छोड़ा है ना तुमने? हाँ, मैंने ज़ारा को अपनी लालच और अपने मुफाद के लिए छोड़ा है, यही सच है। लेकिन अब हमें ठंडा करके खाना होगा, यही हमारे लिए मुनासिब है अम्मा। और अलीजे से मैं शादी से पहले कुछ नहीं मांग सकता। पहली दफा जिंदगी में मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें पता क्या हुआ है? ये जो तुम्हारी कोशिश थी ना कि तुम ज़ारा को नीचा दिखाओ, उसमें पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ज़ारा अब तुम्हारे बराबर आ गई है। एंड दानियाल इतना अच्छा लड़का है, ही डजंट डिजर्व समवन लाइक ज़ारा, ही डिजर्व्स यू। फाइन, तो ना करे, लेकिन आप मुझे मेरा फैसला चेंज करने पे बार बार मजबूर मत करें। बस एक बात जानना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका देने के बारे में सोच सकती हो?